हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं अपने कुछ व्यूअर्स की डिमांड पर आपको बता रही हूँ क्रोशिया कैसे चलाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्रोशिया और थोड़ी सी वूल। और सबसे पहले आपने क्रोशिये को ऐसे गांठ बांध के थ्रेड से क्रोशिये को उसके बीच में डाल देना है और धागे की उसको पकड़ के और लेफ़्ट फिंगर पे आपने धागे को चढ़ा लेना है ऐसे। और उसके गांठ के अंदर से क्रोशिये पर सबसे पहले आपने धागा लपेटना है और ऐसे उसके अंदर डाल के आपको निकाल लेना है। ऐसे बार बार करने से चेन स्टिच बन जाएगा और ये क्रोशिये का सबसे पहला बेसिक स्टेप है। अगर आपको चेन बनानी आ गई तो समझिए आपको क्रोशिया चलाना आ गया। बहुत ही ईजी है। देखिए आप, अगर आपको ऐसे धागा क्रोशिये पे लपेट कर उसके अंदर से डाल के निकालना आ जाता है तो ये चेन बनती जाएगी। और ऐसे फिंगर पे भी आपको धागा चढ़ाना आना चाहिए और धीरे धीरे उतारना आना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर आपको ये आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको दूसरा बेसिक स्टेप बता रही हूँ। उसको जो चेन आपने बनाई है उसको एक एक उसके एक एक लूप में डालते जाना है और दो बन जाते हैं वो। दो का फिर आपने क्रोशिये पर धागा लपेट कर एक घर बना देना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। पहले क्रोशिये को अंदर डाला हर एक चेन के अंदर और फिर उसको अंदर से निकाल के ऊपर से धागा लपेट के दो का एक घर बना देना है। ये इसको अनारदाना बोलते हैं। मोस्टली लोग इसको इसकी 5-6 लाइंस बनाते हैं स्टार्टिंग में और इसका बॉर्डर बना के उसके बाद ही क्रोशिये का अलग से डिज़ाइन बनाते हैं। तो जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है, जैकेट बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो आप उसके चेन के आप घर गिन लेना कितने घर हैं और उसके उतने घर गिन के उतने ही चेन स्टिच पे घर बनाकर फिर आपने ये बॉर्डर स्टार्ट करना है। बहुत ही इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस ऐसे दो का एक बनाते जाएं, फिंगर पे बार बार धागे को लपेटना है और फिर ऐसे दूसरे हाथ से क्रोशिये से धागे को लेकर निकालते जाना है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने बोला कि मैम आपको अगर क्रोशिया चलाना आता है तो हम क्रोशिया हमने सीखना है तो हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप ही हमें सिखा दीजिए। तो मैं आप कुछ वीडियो क्रोशिया और कुछ स्टिचेस हैंड स्टिचेस पर बनाऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखिए ये बिल्कुल अनार के दाने की तरह लग रहा है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसको घुमा के फिर दो का एक बार बार यही पर आपने रिपीट करना है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, थोड़े से चेन स्टिच को बनाकर उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपके हाथ की सफाई आएगी, एकदम से अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि इसमें धागे को एक ही जैसा रखना होता है, कभी ढीला कभी टाइट ऐसे नहीं रखना, नहीं तो फिर उसमें डिज़ाइन में सफाई नहीं आती। ऐसे धीरे धीरे ये बनता जाएगा। जब आपकी स्पीड बन जाएगी तब तो बहुत जल्दी क्रोशिये पे बनता है, निटिंग से भी बहुत जल्दी बनता है ये। लास्ट तक आपको बुनना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। जब आपकी स्पीड हो जाएगी तब आप भी ऐसे जल्दी जल्दी बना पाएंगे। ये बेसिक स्टेप आपको कैसा लगा और आपको आया या नहीं आया देखकर मेरी वीडियो से कितना समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे अपनी जो भी कमियां हो मैं उनको इम्प्रूव कर पाऊँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये अनारदाना स्टेप। ये बॉर्डर बन गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।